या सोहळ्यासाठी देशभरातून त्याचप्रमाणे जगभरातून असंख्य भाविक हे अयोध्या इथे दाखल होणार आहेत. आणि त्याचप्रमाणे आपण जर बघितलं तर प्रभू श्रीराम यांच्यावरील श्रद्धेसाठी हे तीन युवक जे आहेत ते थेट पायी अयोध्येपर्यंत जाणार आहेत. मुंबई येथून हे तीनही युवक युवती निघालेले आहेत आणि आज नाशिकपर्यंत पोहोचले असून पुढे देखील त्यांचा प्रवास जो आहे तो असाच सुरू राहणार आहेत. आपण या युवकांसोबत चर्चा करणार आहोत. दीदी, क्या नाम है आपका, आप कहां से निकले? मेरा नाम है शबनम शेख. सबसे पहले तो आपको सबको जय श्री राम. और हम निकले हुए हैं मुंबई से और आज हमारा पांचवा दिन है मुंबई टू अयोध्या राम मंदिर के लिए. आप अयोध्या तक पैदल जा रहे हैं, इसके पीछे क्या भावना है? एक मुस्लिम युवती है आप भी, फिर भी राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा सोहळा हो रहा है उस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, क्या भावना है? देखो, राम जी को मानने के लिए मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और दिल साफ रख के जाना ज़रूरी है. और यही श्रद्धा का भाव है. जैसे मैंने बहुत सारी जगह पर बोला है और वीडियो में भी बोला है कि बचपन से हम राम जी की बातें सुनते आ रहे हैं. जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में रहते तो राम जी के बारे में ही सुनेंगे, किसी और चीज़ के बारे में तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि राम जी की धरती है ये, जाहिर सी बात है. तो राम जी के बारे में काफ़ी सुना है, पढ़ा है और बचपन से हम प्रोग्राम्स सीरियल्स देखते आ रहे हैं और अभी बहुत सारी मूवीज़ भी हमने देखी है. तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि नहीं हमें और चीज़ें जाननी है. और अयोध्या इतना कंट्रोवर्शियल रहा है कि अब तो बच्चा अयोध्या के बारे में जानता है. यूपी में अयोध्या इतना फेमस हो गया है कि हर छोटे से छोटा बच्चा अयोध्या के बारे में जानता है और आगे भी जानना चाहता है. कई अनेक दूसरे युवक देखिए आपके सोबत आहेत. क्या नाम है आपका और आज कितना दिन है, कब तक आप अयोध्या तक पहुंचेंगे? ये सबसे पहले तो जय श्री राम. मेरा नाम है विनीत पांडे और मैं मुंबई टू राम मंदिर पैदल यात्रा कर रहा हूँ, जो कि हमारी जर्नी 1425 किलोमीटर की है टोटल. और अभी देखते हैं, आई थिंक इसमें 22 जनवरी को तो उद्घाटन है राम मंदिर का, पर 22 जनवरी को हम पहुँच नहीं पाएंगे. आई थिंक हमें 50 to 55 डेज लग जाएंगे पहुँचने के लिए. भाई, आपका क्या नाम है? आप तीनों साथ ही निकले, दोस्त थे? हाँ, हम तीनों तो दोस्त थे. आप सभी को दोस्तों जय श्री राम. हम तीनों तो दोस्त थे और हमने विद इन एक हफ्ते के अंदर हमने प्लानिंग किया था और इस जर्नी को स्टार्ट किया. आज हमारा पांचवा दिन है जो मुंबई से लेकर राम मंदिर का, आज हमारा पांचवा दिन है पैदल यात्रा. सभी भारतीयों को क्या शुभेच्छा देंगे आप? बस सभी भारतीयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. बस आपण बघतोय की अशा रीतीने हे तीनही मित्र जे आहेत ते मुंबईवरून निघालेले आहेत आणि थेट अयोध्येपर्यंत राम मंदिराचा मूर्तीचा जो प्राण प्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे त्यासाठी पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आणि एकूणच मुस्लिम युवती देखील यांच्यामध्ये सहभागी आहेत. खरं तर रामाबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता ह्या युवतीला आहे आणि एकूणच संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी ही युवती जी आहे ती देखील आता पायी अयोध्येकडे निघाली आहेत आणि इतर दोन मित्र देखील त्यांच्यासोबत आहेत. खरं तर संपूर्ण भारतीयांच्या अभिमानाचा असा हा क्षण असणार आहे आणि त्या क्षणाचा भागीदार होण्यासाठी हे तीनही युवक आता थेट अयोध्येपर्यंत पायी जात आहेत. कॅमेरा पर्सन विकीसह मी चैतन्य गायकवाड, TV9 मराठी, नाशिक. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.